अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज इस वीडियो में मैं मारवी प्लांट की बात करने वाली हूँ इसका नाम ऑरेंज जैस्मीन है और इंग्लिश में इसे चाइना बॉक्स भी कहते हैं इसका बोटैनिक नेम मुराया पेनिकुलेट है पाकिस्तान में इसे मारवी जबकि इंडिया में इसे कामनी का पौधा कहते हैं अगर नाम ना भी मालूम हो तो इसकी पिक्स दिखाकर भी नर्सरी से पौधा लिया जा सकता है ये दो टाइप का प्लांट है एक मेल और एक फीमेल लोकल जबान में इसे एक को जो फीमेल है उसको मारवी और जो मेल है उसको मारवा बोलते हैं जो मारवा प्लांट है ये काफ़ी बड़ा हो जाता है लेकिन इस पर फूल कम लगते हैं जबकि मारवी इसकी हाइट छोटी होती है और इसके पत्तों का साइज़ भी छोटा होता है और फूल भी काफ़ी लगते हैं और उन फूलों में बहुत ज़्यादा भीनी भीनी सी खुशबू आती है ये आउटडोर प्लांट है अगर आप इसे अपने घर के बाहर गार्डन को कवर करने के लिए दीवार भी बना सकते हैं हेज बनाने के लिए बाड़ बनाने के लिए और बाउंड्री बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है इस पौधे को शेप भी दी जा सकती है क्योंकि इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है मारवी प्लांट पर फूल गर्मियों में ज़्यादा होते हैं जनवरी से फरवरी के महीने में इनको कलियाँ लगना शुरू हो जाती हैं और मार्च के महीने में खिलना शुरू हो जाती हैं और वाइट कलर के फूल लगते हैं इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है आप देखें इन्हें मारवी प्लांट पर गुच्छों की सूरत में फूल लगते हैं जैसा कि ये आपको नज़र भी आ रहे हैं इनमें से बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है लेकिन ये जब ये गुच्छों की सूरत में फूल इस पर लगते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं मार्च से नवंबर तक इनकी फ्लावरिंग होती रहती है और इसको फुल सनलाइट चाहिए होती है जिन लोगों के घरों में सूरज की धूप नहीं आती इनके पौधों को फूल भी नहीं लगते कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि धूप में इनकी फ्लावरिंग ज़्यादा होती रहती है शेडी एरिया में रखने से फूल लगते तो हैं लेकिन कम लगते हैं और जब इसे हेज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इस प्लांट को तो इसके फूलों पर फोकस नहीं किया जाता इसे हर्बल प्लांट भी कहते हैं इसको कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है साल में दो दफ़ा इसे लगा सकते हैं अगर आप फरवरी में इसकी कटिंग लगाएं तो मार्च तक इसकी ग्रोथ शुरू होना शुरू हो जाती है इसकी मिट्टी वेल ड्रेंड होनी चाहिए इसको रिच और मॉइस्ट मिट्टी की ज़रूरत होती है जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रेत इन तीनों चीज़ों को जब मिक्स करके प्लांट लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और उस पर फ्लावर भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं इसको डेली पानी की ज़रूरत होती है लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए इसलिए जब भी मिट्टी की सरफेस को ड्राई देखें तो इसको पानी दें खासकर सर्दियों में गर्मियों के मौसम में इसे डेली पानी की ज़रूरत होती है और वैसे सर्दियों में इसकी ग्रोथ भी कम हो जाती है अब आ जाते हैं इसकी हाइट की तरफ तो इसकी हाइट छः से दस फुट तक हो सकती है अगर इसे ज़मीन में लगाया जाए तो और अगर इसे पॉट में लगाया जाए तो इसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ सकती गमले में ज़्यादा से ज़्यादा तीन से पाँच फुट तक इसे बढ़ाया जा सकता है इसके लिए आइडियल गमला वैसे जो है वो है चौदह इंच से लेकर अठारह इंच तक का अगर मारवी पौधे को छोटे गमले में लगाया जाए तो इसकी रूट बाउंडिंग शुरू हो जाती है जिसकी वजह से इसको बड़े गमले में ट्रांसफ़र करना पड़ता है वरना ये प्लांट मर भी सकता है इसकी विड्स चार से आठ तक हो सकती है अगर इसे ज़मीन में लगाया जाए तो और पॉट में लगाया जाए तो दो से तीन तक वीड्स इसकी हो जाती है विड्स और पुरोनिंग के जरिए इसे कंट्रोल किया जा सकता है और अपनी मर्जी से इसको शेप भी दी जा सकती है जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि साल में इसकी कटिंग दो दफ़ा लगाई जा सकती है एक फरवरी के महीने में और एक अगस्त के महीने में क्योंकि अगस्त के महीने में काफ़ी नमी होती है इस कटिंग की ग्रोथ के लिए नमी का होना ज़रूरी होता है तो इसलिए आप पूरे अगस्त के महीने में किसी भी वक्त इसकी कटिंग लगा सकते हैं इसकी कटिंग चार इंच की शूट लें और दो इंच मट्टी के अंदर लगाएं और दो इंच मट्टी से बाहर रखें जो हिस्सा मट्टी के अंदर लगाएं उसके साथ कोई दूसरी टहनी और पत्ता नहीं होना चाहिए नहीं तो फंगस लग जाती है और कटिंग कामयाब नहीं हो पाएगी वैसे ये हार्डी प्लांट है अगर इसकी मिट्टी कम्प्लीटली सूख भी जाए तो ये मरता नहीं है ये एवरग्रीन प्लांट है बस सर्दियों में इसके पत्ते नए नहीं, नहीं होते लेकिन पुराने जो पत्ते होते हैं वो लगे रहते हैं और अगर आप इसे खा देना चाहते हैं कि इस पर काफ़ी फूल हों तो एन पी के ट्वेंटी ट्वेंटी इसके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि एन पी के बैलेंस डाइट है इसके अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाशियम बिल्कुल बराबर है और अगर नेचुरल खाद की बात करें तो गाय के गोबर इसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा गाय का गोबर ज़्यादातर पौधों को ग्रीन करने के लिए यूज़ किया जाता है जब पौधा फ्रूट या फलों पर आ रहा तो उस वक्त खाद नहीं देना चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन यानी खाद दें तो फ्रूट झड़ जाते हैं खाद हमेशा ग्रोइंग सीज़न में दी जा सकती है इसका ग्रोइंग सीज़न दस महीने रहता है सिर्फ नवंबर और दिसंबर के महीने में इसकी ग्रोथ रुक जाती है तो इसको खाद नहीं दी जाती जैसे ही जनवरी का मिड आएगा तो इसको दोबारा से खाद दी जा सकती है हर पंद्रह दिन के बाद खाद दी जाती है मारवा प्लांट हो या मारवी प्लांट हो ग्रोथ दोनों की सेम होती है बस इसके पत्तों के साइज़ का फ़र्क होता है और फूलों का जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मारवी प्लांट को फूल काफ़ी लगते हैं और मारवा प्लांट को फूल कम लगते हैं मेरे पास ये दोनों ही मारवी प्लांट है ऐसे प्लांट को अगर ज़मीन में लगाया जाए तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है और जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी तो जड़ें भी बढ़ेंगी इसलिए इसको बड़े गमले में या ज़मीन में लगाया जाए तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है उम्मीद करती हूँ कि मारवा प्लांट और मार्वी प्लांट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी तो आप इसे ज़रूर देखिएगा और मुझे कमर सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़